नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये मैक्स कंपनी का 9 वाट का ख़राब एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए। और इस एलईडी बल्ब को दिया है मेरे एक भैया जी ने, मेरे गांव का ही। तो देख सकते हो ये मैक्स ब्रांड का है और पहली बार मैं मैक्स ब्रांड का एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहा हूँ आज। तो देखता हूँ इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले इस बल्ब को बिजली में लगाकर देखते हैं, उसके बाद इसको रिपेयर करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरे पास ये है सीरीज बोर्ड, यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है। तो एक अच्छा बल्ब जलाकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बिजली आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो एक अच्छा बल्ब को लगा दिया और जल रहा है। ठीक है, जो हमारा खराब एलईडी बल्ब है मैक्स कंपनी का, तो इसको लगा कर देखते हैं। देखिए, इसको लगाया तो थोड़ा थोड़ा धीमा जल रहा है और बिल्कुल ही ख़राब है ये बल्ब। तो इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो डिफ्यूज़र है इसको हटाना पड़ेगा। और ये बहुत ही पुराना गंदा एलईडी बल्ब हो गया है, देख सकते हो बहुत ही गंदा। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिए, ये बहुत ही पुराना बल्ब है। तो ये जो डिफ्यूज़र है इसको मैं खोलता हूँ, देखता हूँ हाथों से पहले। जी हाँ, खुल गया और देख सकते हो एमसीपीसी भी। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये गीला हो गया है, देख सकते हो, आप देख के पता लगा सकते हो। पता नहीं यहाँ पर पानी घुस गया था क्या, कस्टमर ने क्या किया था मुझे नहीं पता, इसको पोंछना पड़ेगा। गंदा कर दिया है शायद, इसको खोला था कस्टमर ने। ओके, इसको पोंछ लेना पड़ेगा, शायद इसमें पानी गया है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। तो देख सकते हो ये जो एमसीपीसी भी है, अच्छा खासा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बल्ब तो बहुत ही पुराना है, बाहर से देख के पता लगा सकते हो। और यहाँ पर ये जो SMD LED है, जी हाँ, मुझे लग रहा है ये SMD LED फ्यूज हो गया है। थोड़ा सा देखिए, देखिए ये वाला SMD फ्यूज हो गया है, मुझे लग रहा है ये वाला फ्यूज। बाकी तो सही सलामत दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले यहाँ पर वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर जो दोनों वायर है, यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। तो दोबारा हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। सीरीज बोर्ड में लगा दिया और हमारा मल्टीमीटर को लेंगे। मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC पे सेट करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हाथों से नहीं छूना है, नहीं तो आपको झटका लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ही वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, देख सकते हो 148 वोल्ट, बहुत ही ज़्यादा वोल्ट आ रहा है। पता नहीं इसके अंदर किस तरह का ड्राइवर है, शायद अलग टाइप का ड्राइवर भी हो सकता है। और यहाँ पर जो MCPCB भी है, देख सकते हो कितना सारा LEDs है, 1 2 3 4 5, 10 SMD LED है। तो यहाँ पर जो एक एक SMD LED है, मुझे लग रहा है 6 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का भी हो सकता है, हम बाहर से देख के पता नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वोल्टेज देख के चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं वोल्टेज देके चेक नहीं करूँगा, सीधे ही इसका जो MCPCB है बदल दूंगा। चाहे तो आप इस एक SMD LED को बदल के भी रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपके पास बहुत ही पुराना LED बल्ब आए तो उस केस में आपको पूरा ही MCPCB को बदल देना है, क्योंकि इस यहाँ पर जो LEDs है ना, उसका लाइफ भी ख़त्म हो गया है। अगर हम इसको बदल भी देते हैं तो बाकी जो LEDs है ना, उसमें से और एक LED या दूसरा तीसरा ऐसे ख़राब होता रहेगा।
तुरंत ही, मतलब मान लीजिए 7-8 दिन में ही खराब हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा MCBCB को बदल देना सही होगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सा ड्राइवर लगाया गया है, HPF या LPF या RC, तो नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर सीधे ही एक 9 वाट का MCBCB लगा देंगे। लगाने के बाद वोल्टेज को चेक कर लेंगे एक बार, सही आ रहा है कि नहीं, लोड दे के चेक करेंगे। लोड मतलब यहाँ पर न्यू MCBCB को लगाएंगे जलते वक्त यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अगर ओवर वोल्टेज हो रहा है तो देखेंगे इसके अंदर कितना वाट का ड्राइवर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कौन सा SMD खराब है। उसके लिए एक ट्वीजर लेना पड़ेगा, देख सकते हो ट्वीजर में टेप लगा लिया हूँ शॉक ना लगे इसलिए। तो खराब जो SMD LED है उसको शॉर्ट करके देखते हैं। जी हाँ, ये वाला खराब है। तो इसको खराब SMD LED को शॉर्ट करने से बाकी जो सही SMD LED है सभी जलता है, क्योंकि यहाँ पर सभी सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक मिडिल में खराब हो गया तो बाकी सब बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो प्लस लगाया गया है ना, प्लस इधर से होके इस LED में होके बाकी LEDs में जाता है पास होके। तो यही खराब हो गया है, तो यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया है तो वोल्टेज जो है पास नहीं हो रहा है, तो बाकी जो सही LED है वो भी नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इसको भी बदल करके रिपेयर कर सकते हो, तो मैं पूरा ही बदल दूंगा क्योंकि मैं गारंटी के साथ रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं डिसोल्डर कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको पता चल गया, देख सकते हो बाहर से जो वायर है व्हाइट हो गया था लेकिन अंदर से रेड ही है। तो रेड जो वायर है ये है प्लस, मुझे लग रहा है इसके अंदर अलग ड्राइवर है, पता नहीं कौन सा ड्राइवर है, नहीं देखेंगे हम। तो इस MCBCB को निकाल के फेंक देता हूँ, क्योंकि ये लोकल ब्रांड का बल्ब है, देख सकते हो। मुझे लग रहा है लोकल है, BIS मार्क है, फिर भी मुझे लग रहा है ये लोकल है। तो MCBCB को हटा दिया, एक न्यू MCBCB लेता हूँ 9 वाट का। देखिए ये है एक हाई क्वालिटी का 9 वाट का MCBCB, 81 वोल्ट का, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ये हाई क्वालिटी का है, बहुत ही ठीक है। इसका जो एल्यूमिनियम का प्लेट है, ठीक है, हीट सिंक है, बहुत ही ठीक है। तो इसको लगाने से पहले बैक साइड में थर्मल कंपाउंड लगाना पड़ेगा। तो थर्मल कंपाउंड को मैं इस छोटा सा डब्बे में रखा हूँ, तो यहाँ पर से निकाल के बैक साइड में लगाना पड़ेगा, फैला के लगाना पड़ेगा पेस्ट को, थर्मल ग्रीस को। ठीक है, चारों तरफ फैला देंगे, ओके, फैल गया। इसके बाद इस हाई क्वालिटी का जो 9 वाट का MCBCB है इसको यहाँ पर बिठा देंगे, दोनों वायर को मिडिल में घुसा लेंगे और यहाँ पर बिठा के स्क्रूस को कस देंगे, दोनों स्क्रूस को पहले कस देंगे, ठीक है, कस देता हूँ। थोड़ा सा ये जो MCBCB है इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन साइज पे ध्यान मत दीजिए, ये हाई क्वालिटी का है, ऑलरेडी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये खराब नहीं हो रहा है। तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसको लग जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना पड़ेगा।
टाइट कर देता हूँ। इसको टाइट करना ज़रूरी है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है। देखिए टाइट करके लगा दिया, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो दो वायर है, दोनों वायर को शोल्डर कर देना है। रेड कलर का वायर को प्लस पे, और जो व्हाइट कलर का वायर है उसको माइनस पे। तो शोल्डर कर देता हूँ, इधर है माइनस, इधर है प्लस, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर करने से पहले थोड़ा सा जो शोल्डरिंग फ्लक्स है उसको लगा लेंगे पॉइंट्स पे, प्लस माइनस का जो पॉइंट है वहाँ पर लगा लेंगे, ओके। उसके बाद शोल्डर की मदद से और शोल्डरिंग आयरन की मदद से बहुत ही आसानी से शोल्डर कर देंगे। ठीक है, अगर शोल्डरिंग फ्लक्स नहीं लगाओगे, जो शोल्डर है ना वो अच्छे से नहीं पकड़ेगा, ओके। इधर प्लस, प्लस पे करेंगे रेड कलर का वायर को शोल्डर, हो गया शोल्डर, और माइनस पे व्हाइट कलर का वायर। लेकिन किसी किसी बल्ब में ये जो वायर है ना, ये ब्लैक और रेड भी होता है, तो इसमें व्हाइट और रेड है, ओके। इसको प्रॉपरली शोल्डर करना है, नहीं तो ये डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो प्रॉपरली शॉर्ट शोल्डर हो गया, तो जो एक्स्ट्रा वायर है उसको अंदर डाल देंगे थोड़ा सा, देख सकते हो कुछ इस तरह से। और हमारा जो बल्ब है वो होपफुली रिपेयर हो गया है, मैक्स कंपनी का 9 वाट का। तो ये जो डिफ्यूजर है इसको लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए बिजली में लगाकर देखते हैं। यहाँ पर सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर 220 वोल्ट है, तो होपफुली ये ग्लो करे। तो परफेक्टली हमारा जो एलईडी बल्ब है वो रिपेयर हो गया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है कि नहीं। तो दोबारा से 200 पे सेट करता हूँ डीसी मल्टीमीटर को, और यहाँ पर संभाल के मैं वोल्टेज को चेक करूँगा। यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए, 81 वोल्ट डीसी होना चाहिए एमसीबीसी को लगाने के बाद। तो एक काम को आपको संभाल के करना है, हाथों से नहीं टच करना है, जो कवर है मल्टीमीटर का उसको ही टच करना है, उसके बाद बिजली में लगाना है। देख सकते हो 79 वोल्ट, तो 81 वोल्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो 79 वोल्ट हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वोल्टेज कम दिखा रहा है तो उस केस में और ज़्यादा लास्टिंग करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह का एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।